असलामकुम विद्यार्थी मित्रांनो तुमचं माझ्या माझी मराठी फॉर उर्दू मीडियम स्कूल या यूट्यूब चॅनलवर पुन्हा मनपूर्वक स्वागत आहे विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण इयत्ता नवव्या वर्गाची विषय मराठी संयुक्त या विषयाचे आज आपण अध्ययन करणार आहोत विद्यार्थ्यांनो आज अपन पाठ चार पान क्रमांक दहा पेज नंबर टेन पर पान क्रमांक वर दिलेला पाठ चार दादू यातील भाग दोन अंतिम भाग या पाठाचे या उर्वरित भागाचे आज आप स्पष्टीकरण या वीडियो आपण बगनार आहोत बच्चो अगर आपने इसके पहले का वीडियो दादू भाग एक स्पष्टीकरण व कृति अगर आपने नहीं अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे YouTube चैनल पर जाकर आप उसे देख सकते हैं और साथ ही साथ इस वीडियो के नीचे में मैं लिंक भी शेयर कर रहा हूं उस लिंक में जाकर भी आप वो वीडियो देख सकते हैं तो पाठ चार दादू या पाठाचे लेखक हैं वि सी खांडेकर चला अब बच्चों हम अपनी अपनी मराठी की पाठ्य पुस्तक और एक एक पेंसिल निकाल लेते हैं ताकि जब आपको उर्दू में शब्दार्थ समझाया जाए बताया जाए तो आप उसे अपने किताब में पेंसिल से नोट कर लेंगे चला पान क्रमांक अकड़ा पेज नंबर ग्यारह से हम शुरुआत करते हैं कहाँ से कहाँ तक के थर्ड पैराग्राफ से लेकर यानी दादू ने माझी सर्व यहां से लेकर तो पान क्रमांक तेरा दादू एखाद्या लहान मुला प्रमाणे हसत उभा होता यहां तक हम इस पाठ का इस भाग का विश्लेषण और कृति इस वीडियो में देखेंगे तो चलो बच्चों मैं शुरुआत करता हूं अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल माजी मराठी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और आगे आगे उसे शेयर कीजिए चलिए दादू ने माझे सर्व माजी सर्व माहिती के काढून घेतली होती पता मात्र तो फारसा बोलत नसे एक उन, त्याने आपली थोड़ी पार थोड़ी फार माहिती मला सांगितली होती माहिती मतलब माहिती मतलब बच्चों मालूमत इन्फॉर्मेशन तो लेखक विस खांडेकर कहते हैं कि दादू इस गाड़ी ने इस नौकर ने लेखक की पूरी मालूम पहले ही निकाल ली थी और इतना ही नहीं तो वो उस मालूम को निकालने के बाद भी लेखक के हर थोड़ी ज़्यादा हर हर जरूरत को एक माँ की तरह वो ध्यान रखता था और लेखक को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता था और लेखक उसके बारे में बहुत कम जानते थे देखते हैं आगे चलते हैं अब हम दादू के फैमिली के बारे में दादू के परिवार के बारे में जान रहे हैं हाँ त्याचा मुलगा माझ्या एवढाच होता सोलापुरला कुठल्याशा गिरनीत होता तो दादूच्या खेड्यातला जमिनीचा एक तुकड़ा सावकाराकडे खूप खूब दिवस गहाण पड़ला होता शब्दार्थ देख लेते बच्चो मुलगा मुलगा मतलब लड़का गिरनी गिरनी मतलब कारखाना छोटा कारखाना जिसको बोलेंगे हम खेड़ा हाँ खेड़ा मतलब गांव छोटा सा गांव गहान ठेवने मतलब ठेवणे मराठी में कहते हैं तारण थे उन्हें तो सावकार के तरफ उस दादू की एक छोटी सी जमीन थी वो उस सावकार के तरफ गहान थी गिरवी थी तो लेखक कहते हैं कि दादू चा माझा एवडाच मुलगा होता कि दादू का लेखक के उम्र के बराबर लेखक के बराबर का ही उनका लड़का था और वो दादू का लड़का ना कहाँ पे कोल्हापुर में एक छोटी सी गिरनी में काम किया करता था और दादू का गांव में ने में एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा भी था और लेकिन वो टुकड़ा सावकार के तरफ गिरवी था गहान था पुड़ो मातारपना मु शेती होनासी झाली तेव्हा बायकोला घेऊन तो इथे आला होता आणि त्याने मुलाला सोलापूरला पाठवले फार उशीरा झालेला एकुलता एक मुलगा होता तो होता तो त्याचा तो लेखक कहते हैं कि गांव की जमीन जब दादू ने उस साहूकार के तरफ उसकी गिरवी थी तो दादू के एक लौते लड़के को एक लौता मतलब जो एक ही लड़का है और वो भी उन्हें काफी सालों के बाद हुआ था तो वो लड़का दादू ने उसे सोलापुर में एक गिरनी में भेज दिए थे काम के लिए और वो भी अपने बीवी के साथ अपने पत्नी के साथ अकेले ही एक साथ रहते थे और दादू और उसकी पत्नी ये अलग शहर में है और दादू का लड़का एकुलता एक लड़का एक लौता लड़का वो सोलापुर में एक गिरनी में काम कर रहा है अब देखते आगे क्या है पुढ़ो तुम्ही आई बाप सोलापुर मुलाकडेच का राहत नाही म्हणून मी त्याला विचारले तेव्हा त्याने सांगितले आम्ही दोघ सोलापूरला गेलो की तिथं पोराचा खर्च वाढणार मग तो सावकाराकडील जमीन सोडवून कशी घेणार बायको इथं कडधान्य विकून चार पैसे मिळवते सोलापुरात ती काय करणार तिथ की खपत किन जाने नी सोलापुर इथल सारखी कॉलेज नहींता तथा काम देना शब्दार्थ बह शब्दार्थ बगू एकुलता मतलब एक लवता कड़धान्य कड़धान्य मतलब अनाज होता है या फिर दाल दाल जिससे बनती है जैसे चना तुअर ये होगी अनाज जिसको बोलेंगे हम अब लेखक दादू से पूछते हैं कि तुम्हारा लड़का जब एक लौता लड़का सोलापुर में एक छोटे से कारखाने में काम कर रहा है तो आप दोनों भी वहां क्यों नहीं रहते उसके पास तो दादू बहुत ही सोप्या पद्धति ने तो उत्तर दे तो बहुत ही सरलता से वो उत्तर देता है कि देखिए हम वहाँ चले जाएंगे तो उसका खर्चा बढ़ जाएगा और इतना ही नहीं अगर उसका खर्चा बढ़ गया तो फिर हमारी जो जमीन है छोटी सी जमीन छोटा सा टुकड़ा जमीन का टुकड़ा वो वो एक साहूकार के पास में गिरवी है तो वो कैसा उसे छुड़ा पाएगा और इसके अलावा दादू की पत्नी यानी बाई को ये मार्केट में कड़धान्य बेचने का काम करती थी छोटी सी दुकान लगाकर कड़ बेचने का काम करती थी और इतना ही नहीं वो ये भी कहने लगे कि सोलापुर में यहाँ के जैसे कॉलेजेस नहीं हैं इसके वजह से उन्हें कहीं और सोलापुर में नौकरी मिलना मुश्किल हो जाएगी और अगर उनकी पत्नी और वो दोनों चले गए तो उन्हें भी कोई काम धंधा नहीं मिलेगा इसलिए दादू कहता है कि हम अपने बेटे के पास नहीं रहते चलो आगे देखते हैं पण मुला वाचून कसं करम तर तुला पण मुला वाचून कसं करम तुला न न करमायला काय झालं साहेब तुम्ही नाही का आलाय आई वडिलांना सोडून तसाच माझा मुलगा मला सोडून गिरणीत गेलाय मी इथं तुमचं काम करतोय ना सोलापुरात अशीच कुणीतरी म्हातारी क्याला जेवायला घालत असेल करमत करम ने मतलब गमना या अच्छा लगना आई वडील ये दो शब्द मिलकर बना है आई आनी वडील माँ बाप महातारी महातारी मतलब बुढ़िया तो लेखक पूछते हैं कि दादू तुम्हारा एक लौता लड़का वहां पर है और आप दोनों यहां हो तो आप आपको कैसा करमता है आपको कैसा गमता है तो दादू बहुत ही बहुत ही प्रामाणिकपना से उत्तर देता है कि जैसे आप अपने आई वडील को छोड़कर यहाँ इस शहर में पढ़ने लिखने आए हैं अकेले उसी तरह से वो भी मेरा लड़का वहाँ पे सोलापुर में गिरनी में काम करता है और जिस तरह मैं आपका ख़्याल कर रखता हूँ प्रामाणिक से उसी तरह से वहाँ पर भी मेरे एक लौते लड़के का एक महातारी मतलब बुढ़िया उसे खाने को देती है उसका ख्याल रखती है पुड़ो, तीन दादू की निमाजी कमीत कमी तीन वर्षांची आहे असे वाटू लागले अब लेखक और दादू एक साथ रह रहे हैं तो लेखक और दादू तीन महीने से एक साथ रह रहे हैं ऐसे लेखक को ऐसा लग रहा है कि इनकी पहचान तकरीबन तीन सालों से है इतने वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आ गए थे नजदीक आ गए थे पुढ़ क्रिकेट जोड़ा सुरू जा रात्रि आठ वजेपर्यंत मी वराड़ी ये पन मला ना कि उशीर तरी ओट्यावर अंधारा दादू माजी वाड़ पाहत बसलेला असे। एखाद्या दिवशी मला यायला उशीर झाला नी डब्यातला भात निवून गेला तर दादू लगेच स्टोव पेटवायला उठे थंडगार झालेला भात स्टोववर तापवला म्हणून त्याला ऊन उन उनीत भाताची गोडी कशी येणार पण दादूने ऊन केलेला तो भात खाताना मला फार गोड वाटे गोड़ी च उगम अन्नात नवता दादूचा मनात होता शब्दार्थ देख लेंगे बच्चों क्रिकेट क्रिकेट तो पता है क्रिकेट खेल कित्येकदा मतलब कई बार बिरहाड़ी यहां पे एक नया शब्द आया है बिरहाड़ी बिरहाड़ी मजे मन, घर सदन उशीर मतलब देर भात भात मतलब पकाया हुआ चावल न्यून भात न्यून गीला मतलब पकाए हुए चावल ठंडे हो जाते थे ठंडे होना उगम मतलब निर्माण होना या पैदा होना अन्नात मतलब अनाज में और हम कहेंगे कि गोड़वा गोड़वा मतलब मिठास लज्जत तो लेखक कहते हैं कि लेखक को क्रिकेट खेलने का बहुत बड़ा छंद था मतलब लेखक की हॉबी थी और लेखक क्रिकेट खेलने में इतने गुम हो जाते थे इतने खो जाते थे कि उन्हें रात के आठ भी रात के आठ भी बज जाते थे और उतने रात तक दादू उनका इंतज़ार करते हुए घर के ओटे के सामने उनका इंतज़ार करते हुए बैठता था और लेखक जब भी वहाँ से आते खेल कर आते तो उन्हें वो टिफ़िन का अनाज मतलब अन्न खाना गर्म करके वो उन्हें स्टोव पे गर्म करके उन्हें देता था उन्हें बर्तावा करता था उन्हें खिलाता था अब लेखक कहते हैं कि वो चावल वगैरह गर्म करके मुझे पका के देता था लेकिन उस चावल में जो ताज़े चावल जो बनते हैं उसमें जो लज्जत थी वो लज्जत नहीं आती थी लेकिन उसकी प्रेम किसकी दादू का प्रेमड़पना उसका प्रामाणिकपना उसकी ममता से जब वो स्टोव पे गर्म करता था तो उस अनाज में भी उस ठंडे अनाज में भी लेखक को मिठास महसूस होती थी लज्जत महसूस होती थी चला पूरा एका रविवार दादू की सुवारी क्रिकेटच्या मैदानावर दिसली तेव्हा तर मी थक्कच झालो रात्री मी त्याला विचारले तेव्हा मातारा लाजेने अगदी चूर झाला पण थोड्या वेळाने त्याने ते कारण सांगितले आपल्या दिवशी मी फार चांगला खेळलो होतो दादू सकाळी खानावळीत डबा आणायला गेला तेव्हा इतल्या विद्यार्थ्यांच्या माझ्या पराक्रमाचाच गोष्टी चालल्या होत्या त्या ऐकून दादूने मला आपल्या साहेबांच्या खेळाची सारे लोक इतकी स्तुती करतात ते तेव्हा आपणही तो पहावा। अब लेखक लेखक क्रिकेट खेळने में बहुत ही उस्ताद थे बहुत ही पारंगत थे और दादू को ये खेल में कोई इंटरेस्ट नहीं था लेकिन एक बार क्या हुआ एक रविवार को यानी एक इतवार को क्या हुआ पहले शब्दार्थ देख लेते बच्चों रविवार रविवार मतलब इतवार संडे थक्क झाल थक्क होने मतलब चकित होना तर थक्क होने हे एक वाक्यचार है आप मराठी मधे वाक्यात उपयोग सुधा करू शको तो? थक्क होने चकित होने रमेश अभ्यास करता न, अभ्यास करता न, बगित आईला आई, आई थक रमेश अभ्यास करता न, बगताच आई झाली आई चकित लाजेने अगदी चूर होने लाज लाज मतलब शर्म से शर्म से पानी पानी हो जाना मराठी में इसका अर्थ वेगड़ा है अलग है लाजे ने अग्दी चूर होने मतलब शर्म से पानी पानी हो जाना यह भी एक वाक्य प्रचार है इसको भी हम अगर मराठी में उपयोग करेंगे तो इसका ऐसा आएगा कि मराठी च भाषांतर करता वर्गापुड़ पूरे क्लास के सामने मराठी चे मराठी वाक्या भाषांतर करता रमेश अगदी लाजे ने चूर चूर झाला होता आगे देखते हैं आदल दिवसी मतलब उस दिन के पहले मतलब गुजरा हुआ कल खानावड़ी खानावड़ी मतलब रेस्टोरेंट स्तुति मतलब तारीफ तो एक बार एक रविवार की बात है लेखक मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं अचानक उन्हें दादू उनका खेल देखते हुए वहाँ पे खड़ा है ऐसा उन्हें दिखाई देता है फिर लेखक जाते हैं और दादू को पूछते हैं कि तुम तुम्हारा तो क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है फिर तुम वहां पे क्या कर रहे थे तो दादू उस समय कुछ नहीं बोला उस समय वो शर्म से चूर चूर हो गया क्योंकि उसके पास में उत्तर नहीं था थोड़ी देर के बाद जब लेखक अपने दूसरे काम में व्यस्त होते हैं थोड़ी देर के बाद वो लेखक को बोलता है कि मी खाना वड़ीत तुम्हारा डबा आना गोथी ते तेल उपस्थित विद्याथनी तुम्हें खूब स्तुति के लिए होती तुम्हारे खेल खूब स्तुति के लिए होती मी तुम्हाला मैदान और बगना की आतुरता निर्माण झाली अन मी तुम चाहा खेल बगा तिथे आलो तो कहते हैं कि मैं रेस्टोरेंट में यानी खाना वड़ी में आपका टिफ़िन लाने गया था तो वहाँ पे मैंने कुछ विद्यार्थियों से आपके खेल की तारीफ सुनी थी और उसके बाद मुझे आपका खेल देखने की जिज्ञासा निर्माण हुई तो मैं चुपचाप से बगैर आपको बताए मैं वहाँ पे आपका खेल देखने पहुँच गया चलो आगे देखते सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात बाहेरगावी एक सामना ठरला जहागीरदार नावाच्या माझ्याच कॉलेज कॉलेजातला एक मित्र आमचा कप्तान होता माझी फलंदाजी नि त्याची गोलंदाजी असा धुवा उडवला आम्ही दुसऱ्या बाजूच्या शब्दार्थ बघा जहागीर जहागीर ये लेखक का मित्र है जिसका नाम है जहांगीर दोस्त है और वो लेखक जिस क्रिकेट टीम में खेलते हैं उसका वो कैप्टन भी है कप्तान भी है फलंदाजी फलंदाजी मतलब बैटिंग क्रिकेट में बैटिंग होती है और गोलंदाजी गोलंदाजी मतलब बॉलिंग तो लेखक हाँ धुआ उड़ौनी धुआ उड़ौनी पराजित करने हरौने तो यह सुधा एक वाक्प्रचार है अपन मराठी में उपयोग करू सकते तो, भारतीय संघा ने क्रिकेट मधे इंग्लैंड का धुआ उड़वला भारतीय टीम ने क्रिकेट में इंग्लैंड को हरा दिया पराजित कर दिया तो लेखक कहते हैं कि सितंबर के आखिरी में आखिरी हफ्ते में बाहर गांव कोई और गांव में एक क्रिकेट का सामना लेखक के साथ में एक क्रिकेट का सामना होने वाला था सामना बोले तो आ, बोलेंगे हम उसको कि क्रिकेट टेस्ट वगैरह क्रिकेट मैच होने वाला था तो जहांगीरदार नाम का लेखक का दोस्त था और वो उस क्रिकेट टीम का कैप्टन भी था तो लेखक फलन लेखक लेखक फलंदाजी में खूब अग्रेसर थे खूब प्रसिद्ध थे मतलब लेखक की बैटिंग बहुत अच्छी थी और जहागीर की बॉलिंग यानी गोलंदाजी बहुत अच्छी थी तो लेखक लेखकांच्या फलंदाजीने आणि जहागीरच्या गोलंदाजीने ह्यांनी त्यांच्या विरुद्ध असलेल्या टीमचा धुव्वाच उडवला होता चलो आगी देखते परत येताना मी जहागीरदारच्या गाडीमध्ये बसलो गाडी हाकणे आणि सामन्याच्या गप्पा मारणे या दोन गोष्टीपैकी अधिक बेफानपणे तो कोणतीही गोष्ट करत नव्हता हे सांगणे फार कठीण होते खेळताना मनुष्याला भान नसते त्यामुळे खेळाच्या श्रमाने माझे अंग किती आंबून गेले आहे याची कल्पना गाडीत बसेपर्यंत मला आली नाही मग मात्र अंग ठणकू लागले चला विद्यार्थ्यांना शब्दार्थ बघा गाडी हाकणे मतलब गाडी चलाना ड्राईव्ह करणं बेभानपने, बेभानपने, मतलब बहुत ही अनलिमिटेड तरीके से बिल्कुल सैरा वैरा बोलेंगे उसको हम श्रम मतलब मेहनत अंग आंबुन जाने अंग आंबुन जाने अंग खूब थकने मतलब पूरी तरह से पूरी बॉडी थक जाना हे सुधा एक वाक्प्रचार है मराठी मधे उपयोग अपन करू शेतातील काम करताना शेतकऱ्यांचे करेंचे अंग आंबून जाते तो लेखक कहते हैं कि हमने अपने अपोजिट टीम का धुआं उड़ा दिया था उसे हरा दिया था और लेखक इतने थक गए थे कि वो जहांगीर के गाड़ी में बैठ के अपने घर की तरफ लौटने लगे और इतनी उन्हें थकावट हो गई थी कि गाड़ी में बैठ बैठते से ही उन्हें वो महसूस हो रहा था उनकी थकावट महसूस हो रही थी और इतनी मेहनत हो गई थी उस सामने में उस मैच में कि लेखक को अपना पूरी बॉडी पूरा अंग उनका दुख रहा था, दर्द कर रहा था चलिए आगे देखते हैं बुढ़ो पान क्रमांक बारह लाइन नंबर वन माझ्या विराडापाशी गाडी येताच मी उतरू लागलो तेव्हा जागीर म्हणाला आमच्या बंगलावर चल की अंग फार दुखतय मी म्हटलं माझ्याच खोलीवर आपण चहा घेऊ चहा तो मोठ्याने हसला हसत म्हणाला चहा और मोठ्याने हसत म्हणाला माझ सुद्धा अंग दुखतय चहान नाही बरं वाटणार आत्ता चहानं ना ही बर बाटना रहता तो लेखक और उनका दोस्त जहागीर ये गाड़ी में बैठकर लेखक के खोली में आ गए तो वो कहता है जहागीर कि यहाँ कहाँ चलते चल मेरे बंगले में तो लेखक कहते नहीं चल नजदीकी मेरी खोली है मेरा कमरा है वहाँ पे चल वहाँ पे हम चाय वगैरह पीते हैं तो अपनी थोड़ी थकावट दूर हो जाएंगे तो जहागीर हंसता है और कहता है कि माजर अंग दुखता चाहन नहीं बर वाटन मला हाँ मेरा भी मेरी भी बॉडी पूरी दुख रही है दर्द कर रही है लेकिन चाय से ये दर्द कम नहीं होगा फिर क्या होता देखते मैं मांगू लेखक से पूछने लगे कि फिर क्या मंगवाऊ बियर तो शांतपने मनाला दादू ते ऐकत होता हम्म अब लेखक के दोस्त ने अपनी थकावट दूर करने के लिए बियर की डिमांड कर दी बियर मंगवाने को कहा लेकिन वहां पे दादू भी मौजूद था अब देखते हैं कि दादू उस पर क्या रिएक्शन क्या प्रतिकृति देता है मी विचार पढ़ लो सापावर पाय पड़ावा दादू दचकला दा भूत दिसे दिसले तर मनुष्य ज्यादा दृष्टि ने मजाक दृष्टि ने तो मजाक बगू लगला आप जैसे ही दादू वो बियर का शब्द सुनता है तो वो दचक गया दचक गया मतलब चौक गया सांप पे जब पैर होता है जो स्थिति इंसान की होती है या फिर जब कोई इंसान भूत वगैरह या कोई ऐसी अन अनएक्सपेक्टेड अन, चीज़ जब देख लेता है तो जैसा वो चौक जाता है वैसा ही दादू अचानक चौक गया बियर का शब्द सुनते ही और वो लेखक के तरफ देखने लगा चंबित होकर ये क्या बात हो गई देखते फिर क्या होता है सामने मी म्हटले अगदी धावत जा जहागीरदाराला हवी आहे अब दादू क्या उत्तर देता है, तो जागीरदार असेल नाहीतर राजा असेल मी जाणार नाही मी हळूच म्हटले दादू या महिन्याला मी तुला एक रुपया जास्त देईन मु जा नी एक मुकटा जा नी एक सोडून शंभर रुपए दिले तरी दादू माजी नोट फेक दादू ने माजी नोट फेकून दिली अब लेखक के मित्र जहागीर ने बियर की डिमांड किया और लेखक दादू से कहने लगे कि जाओ और जहांगीर के लिए बियर लेकर आओ तो दादू गुस्से में लाल हो गया और वो लेखक को कहने लगा तो जहागी कुटला राजा असेल, मी बियर आनाला जात नहीं गुस्से से दादू लेखक कहने लगा कि वो जहागीरदार होगा या कहीं का बादशाह होगा राजा होगा मैं किसी के लिए बियर लाने जाऊंगा नहीं लेखक ने थोड़ा से मोहब्बत से प्रेम से कहा अरे चला जा मैं तुझे महीने के आखिरी में पेमेंट में एक रुपया ज्यादा दूंगा और इतना ही नहीं तो एक सौ रुपये का नोट भी लेखक उसे शंबर शंबर मतलब सौ शंबर सौ रुपये की नोट भी लेखक दादू को देने लगे लेखक ने जैसे ही वो नोट दादू को दिया तो दादू ने वो नोट फेंक दिया और कहने लगा एक सोडून शंबर रुपये दिले तरी एक रुपये क्या सौ रुपये भी दोगे आप तब भी मैं बियर लाने नहीं जाऊंगा अब देखते क्या होता है मी संतापा ने मटले नौकरी वेवल ते काम कराए कबूल के होतस तू आता आत तर बड़ा है नहींतर हाँ अब लेखक गुस्से संताप संताप मतलब गुस्सा लेखक को भी गुस्सा आ गया क्योंकि दो सामने और लेखक गुस्सा लेखक बोलने लगे कि मैं जेव तुला काम लोग बजावन संगित कि मी जे काम तुला संगेन तुला मुकाटा कराव लगे मैंने तुझे तब भी मैंने कहा था कि मैं जो काम तुझे बताऊंगा तुझे करना ही होगा और अगर तू नहीं करेगा तो फिर देखते क्या होते नहीं तो मी नौकर जाइल हो नमस्कार साहेब असली काम करून जगनेपेक्षा पोटात काटे भरीपन अब वो बोलता है हाँ शब्दार देख लेते पोटात काटे भरने पोटात काटे भरने अब क्या पोट मतलब पेट और काटे मतलब काटे तो पेट में क्या सच में काटे भरना है नहीं यहाँ का अर्थ है पेट में काटे भरना मतलब मंजे उपाशी रहने तो ये भी एक वाक प्रचार है इसका अगर हम वाक्य में उपयोग करें मराठी में तरश हुई कि आई वडिल पोटात काटे भरून मुलाला चांगले शिक्षण बहाल करतात। चलिए आगे तो वो लेखक उस पर गुस्से से कहने लगे उसके जाने को मनाने लगे लेकिन वो जाने को कबूल नहीं किया और वो कहता है कि साहेब मैं काम नहीं करूंगा मैं जाऊंगा बेयर लाने जाऊंगा नहीं और अगर आपको फिर भी तकलीफ हो रही तो आपको नमस्कार मैं आपका काम छोड़ देता हूं इतना ही नहीं मैं तो पेट में कांटे भर लूंगा यानी भूखा रह जाऊंगा लेकिन आपका ये काम मैं नहीं करूंगा क्या आवाज घोगरा झाला डोड़े ही भरून आले होते पूरे एक शब्द ही न बोलता तो चालू लागला अब उतना बोलकर उसकी आवाज लहराने लगी मतलब अटकने लगी वो इमोशनल हो गया था और उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे और इतना ही कह के दादू कुछ खोली के बाहर कमरे के बाहर निकल गया फिर देखते क्या होता है माझी मलाज लाज बाटू लगी मी धावत गेलो दादू फाटक उगड़त होता मी त्याचा हाथ धरून मटले दादू कोठे चललास तुमच्या आई साबांकडे <laughs> माझ्या आईकडं <कड़ा>? हो कशाला <laughs> त्याच्या झाडाला कीड लागली हे सांगायला रागीट स्वराने तो उद्गारला मी उद्गारलो मी वाटेल ते काम करीन तुला काय करायचे त्याच्याशी मी वाटेल ते काम करीन तुला काय करायचे त्याच्याशी मला काय करायचं मुलाला मालाझा मुझे अपने बच्चे को संभालना है देखते हैं शब्दार्थ लाज लाज वाटने मतलब शर्म आना झाड़ाला कीड़ लागने झाड़ाला कीड़ लागने याचा अर्थ असा होरख्त मतलब कीड़ लगना मतलब कीड़ा लगना या झाड़ सूख जाना तो यहाँ पे हम अर्थ झाड़ाला कीड़ लागने मतलब कि वाइट व्यसन लागने मतलब बच्चे को गलत व्यसन लगना तो इसके भी वाक्प्रचार है झाड़ाला कीड़ लागने तर ये वाक्य उपयोग असा करू मराठी में कि आज आज की युवा पीढ़ी आज या युवा पीढ़ीला मोबाइल की इतकी की सात लगली है किड़ लगे दुव्यसन मोबाइल लागला है ऐसा ही बोल सकते हम लोग तो लेखक कहते कि अब लेखक को अपने आप पे शर्म आने लगी दादू उनके रूम से बाहर निकल गया और इतना दूर पहुंच गया कि वो फाटक खोलने लगा जाने के लिए तो लेखक थोड़ी तेजी से जाते और उसका हाथ पकड़ लेते दादू कुठे चल रहा दादू कहाँ जा रहा है तो दादू जवाब देता है, है तो कशाला क्यों क्यों मेरे माँ की तरफ जा रहे हो तुम तो वो बोलती है या मतलब दादू कहता है कि तुम आईला मी संग है कि तुम्हारा झाड़ाला लीड़ लगली है कि तुम्हारा बच्चा तुम्हारा लड़का गलत संगत में या गलत व्यसन में लग गया है अब लिखो फिर गुस्सा आता है अलह कहते तुला क्या कराए मी वाटिन ते तुझे क्या करना है मैं जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं करूंगा तो वो दादू कहता है काय कराए मला काय का मला माझा मुला कि मुझे मुझे क्या करना है मुझे अपने लड़के को मुझे अपने बच्चे को संभालना है तुझा मुलगा तर सोलापुरात आहे होय साहेब तो आहे तिथं तो काही भलत सलत करायला लागला तर त्याच्या जवळ असलेल्या म्हातारींनी त्याला आवरायला नको का तिथं लोकांनी त्याला सांभाळायला सांभाळायला हवं मग इथं मी त्याच्या डोळ्यातून घडघड अश पाणी वाहू लागले त्याच्या पाठीवरून हात फिरवत मी म्हटले रडू नको जाधू तुझी नोकरी कायम आहे नोकरी करीता मी रडत नाही साहेब तुमच्या ऐवजी माझा मुलगा असता तर मला जेवढं दुःख झालं असत तेवढं मघाशी तुम्ही दुकानावर जायला सांगितलं तेव्हा झालं दादूच्या हात धरून मी त्याला घरात नेले अब लेखक थोड्या चमेमी पडगे ज्याच्या दादूने कहा कि मला मुलाला सांभाळायचे चाहे कि मुझे मेरे बच्चे को संभालना है तो लेखक कहने लगी तुम्हारा लड़का तो सोलापुर में है तो लेखक कहते दादू कहता है लेखक को कि सोलापुर में है ठीक है वहाँ पे भी एक मातारी उसे गलत व्यसन से नहीं लगने को ना इसलिए वो कोशिश कर रही होंगी उसे संभाल रही होंगी उसी तरह मैं भी आपको अपना लड़का समझता हूँ और मुझे इतना दुख हुआ कि जब आपने मुझे दुकान में जाकर यानी बियर लाने के लिए दुकान भेजने को कहा भेजा तभी मुझे इतना दुख हुआ जैसे मेरे खुद के लड़के नहीं मुझे ऐसा काम बताया हो इतना मुझे दर्द हुआ मुझे तकलीफ़ हुई और वो ये कहकर रोने लगा लेखक कहने लगा लेखक कहते हैं कि तू रो मत दादू तो तेरी नौकरी अभी भी कायम है तो वो कहता है दादू नहीं साहब मुझे नौकरी जाने का दर्द दर्द नहीं है तो मुझे आपके इस बिहेवियर से मेरा लड़का बिगड़ रहा है इसका दर्द है इसलिए मैं रो रहा हूं लेखक भी आ, बोलेंगे हम लेखक को भी थोड़ी शर्म महसूस होती है और लेखक दादू का हाथ पकड़ करके अपने नौकर का हाथ पकड़ करके रूम में लाते हैं वापस लाते हैं फिर देखते क्या होता है मी खोलित गेला बरोबर जहागीरदार मनाला कुठे गेला होता बाहर तार वाला आला होता तार कुनाची तार आई बुआ कु आई ची आई थी। अब लेखक दादू का हाथ पकड़ करके से समझा बुझा करके उसको रूम में लाए अपने और जब रूम में दोनों आते हैं तो जहांगीर जो रूम में बैठा है वो उनसे पूछता है अरे कोठे गेला उठास कहाँ गए था तो दादू तो लेखक कहते हैं कि बाहर तार वाला आया है तार वाला मजे तार मतलब जिसे हम कहेंगे टेलीग्राम तार वाला आया है और उस तार में लिखा है कि माँ जी आई खूब आजारिया है लेखक कहते हैं कि उस तार में लिखा है कि मेरी आजी मेरी आई मेरी अम्मी बहुत बीमार है जहागीरदार भी बहुत न में आ जाता है वो बोलता है तार इस समय रात के आठ नौ बजे और लेखक कहते हैं कि तार आ गई है अब मुझे जाना है और इतना कह के लेखक फिर क्या करते देखते हैं मी आता पान क्रमांक तेरह बगा मी गाई गाई ने ट्रंक उगड़ी खुंटाड़े कपड़े गाड़े आनी साम, बांधा, बांध करू लग जहागीरदार मनाला बर मी जा परत आलो दादू एखाद लहान मुला प्रमाण हसत उभा होता तो लेखक जहागीरदार को किसी भी तरह से उसे वहां से अपने रूम से भेजना चाहते थे हटाना चाहते थे लेकिन लेखक डायरेक्ट नहीं बोल सकते थे तो लेखक ने थोड़ा तो सा मजाक से झूठ कह दिया कि बाहर तार वाला आया है और उस तार में लिखा है कि मेरी आई बहुत बीमार है आज मेरी आई बहुत आजारी है तो लेखक की ये बात सुनकर और लेखक अपने ट्रंक निकालते ट्रंक मतलब पेटी कपड़ों की पेटी और लेखक अपनी पेटी में दिखावे के लिए वो बाहर से या इधर उधर पे से चारों तरफ से अपने कपड़े जमा करना शुरू कर देते हैं और उस पेटी में डालना बिल्कुल शुरू कर पैकिंग शुरू कर देते हैं जहागीरदार देखता है यार हाँ ये तो सच है इसकी ये ये लेखक की आज अगर आई अगर सही में आ जा रही होंगी तो ये जा रहा है तो जहागीरदार निकलता है और बरमी ये तो और कहकर जहागीरदार उनके रूम से निकलता है और लेखक भी उसे दरवाजे तक दार दार मतलब दरवाज़ा लेखक भी उसे दरवाजे तक दार पर्यंत सोड़ून ये आणि दादू एक लहान मुलाप्रमाणे हासत उभा असतो और दादू एक छोटे से लड़के की तरह लेखक की तरफ हंसकर मुस्कुराते हुए देखता है तो बच्चों ये हमारे पूरे पाठ का विश्लेषण हो गया अब हम देखते हैं इस पाठ पर आधारित स्पष्टीकरण तो हमने देख लिया इस पाठ पर आधारित कृति चलिए चला विद्यार्थनों आता आपण पाठ चार दादू भाग दोन या आधारित स्वाध्याय व कृति बघू हमने भाग दो का यानी पूरे पाठ का अब अध्ययन कर लिया है स्पष्टीकरण देख लिया है अब हम इस पर आधारित स्वाध्याय और कृति देखते हैं देखते है, पहला प्रश्न क्या है प्रश्न एक खालील उतारा वाचा व कृति करा तो बचा जितना भाग आपको पढ़ाया गया है उस पूरे भाग पर ये, ये कृति है तो खाली उतारा वाचा व वा कृति पूर्ण करा उतारा मतलब पैराग्राफ ये उतारा पढ़ो इस पैराग्राफ पढ़ो और कृति पूरी करो क्या है पहला प्रश्न आकृति पूर्ण करा आकृति पूरी करो देखते हैं अ लेखका ने दादू या अंतकरणाला दिलेली उपमा के लेखक ने दादू के अंतकरण को कौन सी उपमा दी है कौन सी प्रेमाचा गोड़ झरा पूरा आ दादू चे बायको चे काम बायको मतलब पत्नी दादू की पत्नी या बीवी कौन सा काम करती थी कौन सा काम करती थी कड़धान्य विकने कड़धान्य बेचने का काम अनाज बेचने का काम किया करती थी ई कारण लिया रीजन लिखिए दादू दचकला का दूसरा दादू लहन मुलासार का हंसू लागला दादू छोटे बच्चे की तरह छोटे लड़के की तरह लगा। तो पहला रीजन देखते हम दादू दच का क्यों दचकला क्या कारण था बियर हे शब्द अहिक्ताच। ये बियर शब्द जैसे सुनता है वो तो वो दचक जाता है दूसरा दादू लहन मुलासार का हंसू लागला का क्यों हंस रहा था वो बियर न पाजता जहांगीर दारापर्यत सोड़ा मुड़ चलिए चला प्रश्न दोन अ योग्य ठिकाणी वापरून वाक्य पुन्हा लिहा तर वक्प्रचार कौंसा वाक्प्रचार वाक दिलेले आहेत कौंस मतलब कौंस मतलब ब्रैकेट्स इज इन ब्रैकेट्स में कुछ वाक्प्रचार दिए गए हैं इसका अर्थ सही समझ कर हमें इनको सही जगह इस्तेमाल करना है वाक्य में सही जगह इस्तेमाल करना है पहले अर्थ समझ लेते बच्चों अंग आमबुल जाने मतलब पूरा शरीर बहुत ज्यादा थक जाना धुआं उड़ौने धुआं उड़ौने मतलब पराजित करना हराना काडी चाही त्रास न होने यानी बिल्कुल भी तकलीफ न होना थक का होने मतलब चौक जाना तो देखते हैं क्या वाक्य दिए गए एक आमी ताज महालाचे सौंदर्य बघुन आश्चर्यचकित झालो आश्चर्यचकित झालो मतलब हम चौक गए तो इसका उत्तर क्या आएगा बच्चों हाँ कौन सा वाक्य प्रचार आएगा थक होने देखिए उत्तर आमी ताज महालाचे सौंदर्य बघुन थक झालो इस तरह से चलो देखते आगे का दोन भारताच्या क्रिकेट संघाने इंग्लंडला हरवले हरवणे म्हणजे धूवा उडवणे वाक्यात उपयोग बगा भारताच्या क्रिकेट संघाने इंग्लंडचा धूवा उडवला बच्चों एक बात आप नोटिस कर रहे होंगे कि प्रश्न में ला दिया हुआ है लेकिन उत्तर में चा लगाया हुआ है तो हमें सिर्फ वाक वाक् प्रचार का उपयोग भी करना है वही तो ठीक है लेकिन हमें सेंटेंस भी मीनिंगफुल बनाने होते हैं अगर हम लिख देंगे भारताचा क्रिकेट संघा ने इंग्लैंड ला धुआ उड़ौला तो अगर ला अगर यहाँ प्रश्न का लेंगे हम तो वो वाक्य अर्थपूर्ण नहीं बनेगा तो मराठी का अर्थपूर्ण बनाने के लिए हमें यहाँ पे ला हटा करके चा भी लगाना पड़ेगा चलिए देखते उत्तर कैसा आएगा भारताचा क्रिकेट संघा ने इंग्लैंड चा धुआ उड़ौला 3 बैलगाडीच्या प्रवासाने माझे अंग थकून गेले बैलगाडी बैलगाडी मतलब बच्चों बैलगाडी तो अंग थकून गेले मतलब बहुत ज्यादा थक जाना तो इसका उत्तर क्या आएगा बैलगाडीच्या प्रवासाने माझे अंग आंबून गेले पुढ वाक्य चार प्रवासात मला अजीबात त्रास झाला नाही प्रवास बोलो सफर में मुझे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई तो उत्तर कैसा आएगा प्रवासात मला काड़ी चाही त्रास झाला नहीं प्रश्न आ शब्दांना पाठातील विशेषणे शोधा चलो देखते हैं विशेषण विशेषण मतलब बच्चों एडजेक्टिव खासियत बताने वाले शब्द तो यहाँ पे हमें कुछ विशेष्य दिए हैं, उसके हमें विशेषण पाठ से ढूंढना है अब विशेष्य मतलब क्या होता है विशेष्य विशेष्य मजे असे, असे नाम ज विस्तार करनाटी जी अधिक महति संगनेस का ही उप शब्द आ शब्द त्या नामन ना अधिक महति देता त्या अधिक महति देता त्या शब्दांना विशेषणे असे म्हणतात विशेष्य हे नाम असतात आणि त्यांच्यासाठी वापरण्यात आलेली विशेषणे असतात बघा गडी जागा झरा स्वर आता आपल्याला पाठामध्ये बघून त्यांच्यासाठी कोणती विशेषणे आली आहेत ते आपल्याला लिहायची आहेत बच्चो विशेषण जनरली न, उस नाउन के नाऊन नाम के पहिले होते देखिए गडी एक गडी अनुभवी गडी दोन खड़काड़ जागा, तीन गोड़ झरा चार स्वर तो हर गड़ी अनुभवी गड़ी कैसा है अनुभवी है जागा कैसी है खड़काड़ है झरा कैसा है गोड़ है मीठा है स्वर कैसा है रागीट है गुस्से वाली है तो ये शब्द जो है विशेषण ये इस विशेष के इन नामों के बारे में ज्यादा जानकारी देते हैं इसलिए इन्हें विशेषण कहा जाता है वो आपको मैं वीडियो में आगे चलते हैं पाठातील विरुद्धार्थी शब्द शोधा राइट द अपोजिट वर्ड विरुद्धार्थी शब्द मतलब अपोजिट वर्ड या उलट अल्फाज एक कुरूप कुरूप मतलब बदसूरत विरुद्धार्थी शब्द सुंदर दोनों दोन कडू कडू मतलब कडवा विरुद्धार्थी शब्द गोड तीन गरम याच्या विरोधाचे शब्द थंड किंवा थंडगार चार बेफान मतलब बहुत तेजी से विरुद्धार्थी शब्द मंद किंवा हळू हळू पुढ चला प्रश्न तीन स्वमत हे प्रश्न परीक्षेमध्ये मा दोन मार्कासाठी दोन गुणांसाठी विचारले जातात या प्रश्नाच उत्तर पाठा आधारे कि कवित आधारे आप शब्द लिहाय तो विद्यार्थी मित्रान पहला प्रश्न बगा दादू ने लेखका मित्रा कामाला नकार दिला ही घटना तुम्हारा काय शिकवते कि दादू ने लेखक के दोस्त के काम को नकार दिया मना कर दिया तो इस घटना को आप अपने भाषा में कैसे वर्णन करते हो और ये घटना आपको क्या सिखाती है देखते हैं उत्तर तो पहले पाठ का नाम लेखक का नाम और पाठ में क्या समझाया उसका छोटा सा वर्णन उत्तर दादू या पाठा मधे लेखक वि स खांडेकर दादू व्यक्तिमत्वाच रेखाचित्र रेखाटले हाँ दादू या पाठा मधे लेखक वी स खांडेकर दादू के व्यक्तिमत्वा रेखाचित्र रेखाटले आता दुसरा पॅराग्राफ लेखक व त्यांच्या मित्र जहागीर क्रिकेट खेळून खोलीवर आले होते ते दोघे खूप थकून गेले होते थकावटीमुळे दोघांचे अंग दुखत होते तेव्हा लेखकाच्या मित्राने बियर मागितली दादूने बियर आणण्यास स्पष्ट नकार दिला लेखक रागावले तरीसुद्धा तो तयार झाला नाही लेखकाने त्याला कामावरून काढण्याची धमकी सुद्धा दिली ही घटना मला शिकवते की हां अभिय घटना होई हमें क्या सीख मिलती आहे ही घटना मला शिकवते की कामाबद्दल प्रामाणिकपणा सदैव ठेवायला हवा आपले संस्कार व मोठ्यांचे आदर सदैव करावे चलिए आगे देखते प्रश्न दोन दादूच्या स्वभावातील विशेष तुम शब्दात लिहा कि दादू के स्वभाव में आपको क्या खासियत विशेष मतलब क्या खासियत दिखती है आपको अपने शब्दों में लिखना है उत्तर देखते हैं दादू या पाठा मध्य लेखक वी स खांडीकर दादू का स्वभावती प्रेम संवेदनशीलता व प्रामाणिकपना या वर्णन के लिए आहे बच्चों हम क्या करेंगे पाठ का नाम और लेखक का नाम और लेखक ने इस पाठ में क्या बताया है वो हम याद कर लेंगे ताकि हमें जब भी ऐसे प्रश्न आए तो हम लिखने में हमें आसानी हो आगे देखते हैं उत्तर दादूला वर वर तो विचित्र होता तो अड़ानी होता त्याची दाढ़ी होती, हे त्याचे बाह्य वर्णन होते हाँ ये बिल्कुल बाहर से बिल्कुल अड़ानी इतना था वो पादू स्वभावे अतिशय प्रेम प्रामाणिक संवेदनशील व कर्तव्य दक्ष होता हाँ लेकिन अंदर से दादू बिल्कुल स्वभाव से अतिशय प्रेमर था प्रामाणिक था और संवेदनशील और काम के प्रति बहुत ही कर्तव्य दक्ष था या हाँ तो लेखकाची की खूब कालजी घेत असे यावरून त्यांना त्यांच्या आई की आठवन येई तो नेहमी सत्य बो सत्य बोलायचा और लेखक की वो बहुत फिक्र करता था इसलिए लेखक को उनकी आई की याद आती थी और वो हमेशा सत्य सत्य मतलब सच बोलता था तो लेखकाला पुत, पुत्रवत प्रेम करत होता व लेखको लडके के तरह प्यार करता था म्हणून लेखकाच्या मित्राने सांगितलेली सॉरी मागितलेली बियर आणण्यास त्याने स्पष्ट नकार दिला अशा प्रकारे आपण यावर आधारित कृती पूर्ण केली आहे विद्यार्थ्यांनो माझ्या यूट्यूब चॅनलला यूट्यूब चॅनलला सब्स्क्राइब करा व्हिडिओला शेअर करा आणि चांगल्या अक्षरांमध्ये ही कृती आपल्या वहीमध्ये पूर्ण करा थँक्यू